नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का इस्तीफा, विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकता अब अपराध नहीं। भारत बंद के दौरान बिहार के आरा गया में भड़की हिंसा, देश भर में प्रदर्शन, एमपी में स्कूल कॉलेज हुए बंद। गिरफ्तार 5 वामपंथी विचारकों पर टली सुनवाई, 12 सितंबर तक रहेंगे नजरबंद। नोएडा और गाजियाबाद के बालिका सुधार गृह में छापे, मिली आपत्तिजनक चीजें। और अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, करीब 15 दिनों से विधानसभा भंग करने और जल्दी चुनाव कराए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही निर्धारित है, लेकिन सत्तारूढ़ी तेलंगाना राष्ट्र समिति दोनों अलग अलग चुनाव कराए जाने में राजनीतिक लाभ देख रही है। पार्टी को मई 2014 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में राज्य में जीत मिली थी। उसने 119 संसदीय विधानसभा में 63 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारत में दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध बनाना अब अपराध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 से बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत चुनाव को सम्मान देने की बात कही है। आपको बता दें, 17 जुलाई को शीर्ष कोर्ट ने 4 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नवतेज सिंह जौहर, सुशील मेहरा, अमरनाथ, रितु डालमिया और आयशा कपूर ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की थी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर लगाए गए अध्यादेश के खिलाफ कथित तौर पर स्वर्णम समुदाय तरफ से बुलाए गए भारत बंद को देश भर में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बिहार में जहां कुछ जगहों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं, तो वहीं आरा में पुलिस पर पथराव के बाद भारी हिंसा की खबर सामने आ रही है। बिहार के आरा में आरा बाजार समिति ओवरब्रिज पर जाम किए जाने के बाद शाहबाद के 4 जिलों के वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। पुलिस जाम हटाने पहुंची तो समर्थक भिड़ गए। पुलिस ने जाम हटाने के लिए लाठीचार्ज किया तो बंद समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और 4 राउंड हवाई फायरिंग की। भीम कोरेगांव मामले में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही मामले की सुनवाई टल गई है। हालांकि हाउस अरेस्ट पर अंतरिम आदेश को लेकर बहस जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पुणे पुलिस ने कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आपको बता दें, पुणे पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर शिवाजी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उच्चतम न्यायालय को इस केस में दखल नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश महिला राज्य आयोग की उपाध्यक्ष सुमन सिंह ने नोएडा के बाद इससे सटे गाजियाबाद के कन्या बाल सुधार गृह में भी औचक निरीक्षण किया। गाजियाबाद में साफ सफाई को लेकर कुछ कमियां पाई गई हैं। वहीं सुषमा सिंह का कहना है कि बाकी सब कुछ फिलहाल ठीक मिला है। इससे पहले नोएडा में एक बाल सुधार गृह में शराब की बोतलें मिली थी। इस पर उनका कहना है कि बोतलें खाली थी, उसे जाँच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, हाल ही में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी महिला बाल सुधार गृह से चौंकाने वाली खबरें सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन के साथ साथ महिला आयोग ने भी काफी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसके मद्देनजर बालिका सुधार गृहों में औचक निरीक्षण के साथ छापे मारने की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के भागलपुर में हुए सृजन घोटाले से जुड़े मसले में गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। आईटी विभाग ने पटना में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी के दफ्तर पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स के अलावा इस छापेमारी में बिहार पुलिस की टीम भी मौजूद है।
आपको बता दें, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लगातार सुशील मोदी पर इस घोटाले में सम्मिलित होने का आरोप लगाया था। इस साल जून में ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कुछ कागजात शेयर करते हुए बड़े आरोप लगाए थे। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सृजन घोटाले में सुशील मोदी के रिश्तेदार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से चल रहे पॉलिथीन लैब को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल धड़ल्ले से चल रहे पॉलिथीन लैब को बंद कराने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि पूरी दिल्ली में पॉलिथीन लैब कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं। अवैध रूप से चल रहे पॉलिथीन लैब आम लोगों के लिए बड़ा खतरा है। याचिका में इस तरह के लैब पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश देने की बात कही गई है। ये जनहित याचिका बिजौर कुमार मिश्रा की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि अवैध रूप से दिल्ली के हर गली नुक्कड़ में खुल चुके पॉलिथीन लैब को तुरंत बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान भारत से परमाणु हथियार बनाने की रेस में आगे निकल चुका है। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जहां भारत विश्व में परमाणु हथियार के मामले में 7वें नंबर पर है, तो वहीं पाकिस्तान 6वें नंबर पर है। हालांकि भारत के लिए खतरा और बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। कई एजेंसियों के दावे के अनुसार अभी उसके पास 140 से 150 परमाणु हथियार और भंडार हैं। दुनिया भर में एटमी रेस पर नजर रखने वाले एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का आंकड़ा 220 से 250 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में इतनी परमाणु ताकत के साथ वो दुनिया में इस मामले में 5वीं बड़ी ताकत बन सकता है। अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सत्र अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने एक्टर को हर बार विदेश यात्रा पर जाने से पहले अनुमति लेने से मुक्त कर दिया है। सलमान के वकील H.M. सारस्वत ने कहा कि अब सलमान खान को विदेश जाने के लिए हर बार न्यायालय की अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लेकिन उन्हें यात्रा के समय की अवधि, तारीख, गंतव्य स्थल, रुकने का स्थल, यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी अदालत को देनी होगी। बचाव पक्ष ने सत्र अदालत में ऐसे ही एक याचिका दायर कर जमानत की शर्तों के उस आदेश को बदलने की मांग की थी, जिसके अनुसार खान को विदेश जाने के लिए हर बार अदालत की अनुमति मांगनी पड़ती है। सारस्वत ने कहा कि लेकिन हमने ये प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है और एक नया प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें न्यायाधीश चंद्र कुमार सुंगारा ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, हिरण मामले में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें विदेश जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। अब इस पर कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है और अब वो बिना अनुमति यात्रा कर सकेंगे। इन दिनों सलमान खान माल्टा में अपनी फिल्म भारत की शूटिंग में व्यस्त हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।